5 अक्टूबर 2019 में अध्यक्ष ने विशेष सभा बुलाई कार्यकारिणी की, मैनेजमेंट कमेटी की, और उसमें हम लोगों ने इन तीनों के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया और इन लोगों की जगह हम लोग तीनों आ गए, कार्याध्यक्ष अमोल पाटिल, सेक्रेटरी मंगेश पाटिल और मैं खुद अशोक पाटिल ट्रेजरर। हम लोगों ने अध्यक्ष दे हमारे जो तुलसीदास मते, उन्होंने नवगढ़ पुलिस स्टेशन को लिखित में लिया कि ऐसा ऐसा इधर भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत गैरकानूनी सब हो रहा है, तो नवगढ़ पुलिस स्टेशन ने उसका कुछ दखल नहीं लिया। फिर बाद में हम लोगों ने थाने ग्रामीण अधीक्षक उनसे भी निवेदन रखा तो उन्होंने भी उसमें ज़्यादा कुछ दखल नहीं लिया। फिर हम अध्यक्ष अपना कोर्ट में न्यायालय में उन्होंने अपील किया और अपील करके मैजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर से इन आरोपियों के ऊपर गुना दाखिल करने का ऑर्डर 2018 में इनके ऊपर गुना दाखिल का कोर्ट के आदेश से। किन किन पे गुना दाखिल हुआ है? एक कार्याध्यक्ष मोहन पाटिल और खजींदार वासुदेव भास्कर पाटिल, सेक्रेटरी दो है, एक पुराने सेक्रेटरी दिलीप रामचंद्र पाटिल और अभी के जो सेक्रेटरी गुरुनाथ सखाराम पाटिल, और जो एक्स चेयरमैन थे अध्यक्ष थे वो शरद रामचंद्र पाटिल, और ठेकेदार जो है जिन्होंने गलत तरीके से उन्होंने ठेका दिया है वो निमान रहमान, और बाकी का यहाँ का जो हमारा जो लेखापाल जो इनको इसमें बारे में हेरा फेरी में सब ये करता था वो प्रशांत पाटिल, ऐसे टोटली 8 लोगों के ऊपर गुना दाखिल हुआ है। के बाद क्या पोजीशन है एडजेक्ट? नहीं, गुना दाखिल होने के बाद उनके पास मेजोरिटी, पहले 10 थे, 10 का टूट के एक हमारे पास आ गया, उनके पास 9 हो गए, फिर 9 में से फिर 2 टूट गए, उनके पास 7 रह गए, तो 7 रहने के बाद यह हम लोगों ने इकट्ठा बैठ के बाबा ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके ऊपर गुना भी दाखिल है, फिर भी इनका कारोबार ऐसा ढंग से चालू है। फिर हमारे जो अभी नए निर्वाचित जो कार्याध्यक्ष है तो उनको और जो आरोपी जो सेक्रेटरी थे गुरुनाथ सखाराम, उन्होंने इनको बताया अरे इस सीजन का जो आनंद ये आता है फीस का पैसा वगैरह जो डोनेशन का दिन का वो सब इकट्ठा करके मोहन पाटिल घर पे लेके गए, काफ़ी रकम थी 80 लाख के आसपास। तो इन्होंने बोला उनको कि ये सब कर रहे थे तो आप सेक्रेटरी उनको नोटिस क्यों नहीं देते, या तो आप लोग इनके आवाज़ क्यों नहीं उठाते, तो बोलते जाने दो बोलते थे, इसका मतलब उसको वो भी उसके साथ शामिल है, तो इनको ये मत से ये समझ नहीं हो गए। फिर इन्होंने हमें आके बोला कि आप लोग जो कर रहे हो सही है, ये पैसा खा रहे, भ्रष्टाचार हो रहे, ऐसा करके ये भी हमारे इसमें शामिल हो गए, ऐसा करके हमारा मेजोरिटी 8 लोगों का हो गया। हम लोगों ने 8 लोगों के मिल 7 लोगों ने मिलकर अध्यक्ष चेयरमैन को लेटर लिखा, क्योंकि वो चेयरमैन है, अध्यक्ष है हमारे ट्रस्ट के, कि ये भ्रष्टाचार चालू है, आप मीटिंग बुलाओ और इनके ऊपर अविश्वास ठहराव पारित करें। ऐसा करके हम लोगों ने 5 अक्टूबर 2019 में अध्यक्ष ने विशेष सभा बुलाई कार्यकारिणी की, मैनेजमेंट कमेटी की, और उसमें हम लोगों ने इन तीनों के ऊपर अविश्वास ठहराव पारित किया और इन लोगों की जगह हम लोग तीनों आ गए, कार्याध्यक्ष अमोल पाटिल, सेक्रेटरी मंगेश पाटिल और मैं खुद अशोक पाटिल ट्रेजरर, और ये और इन लोगों को हमने लेटर देने गए कि सोमवार था, सोमवार के दिन इन लोग आएंगे इस संस्था में तो इनको लेटर देंगे, ऐसा ऐसा हम लोगों ने ठहराव किया, आप लोगों को मीटिंग का निमंत्रण दिया था, आप आए नहीं थे, तो ये अभी केबिन आप छोड़ो, कार्याध्यक्ष के उनको ताबा दे दो कर। तो वो लोग इधर आने के बजाय वो जाके नवगढ़ पुलिस स्टेशन में राम भाल सिंह के पास बैठे और उधर उनको कुछ मिसगाइड कर रहे थे, तो दोपहर के टाइम में राम भाल सिंह ने उनका एक ऑफिसर कोटे साहब उनको इधर कैंपस में बोला कि तुम लोगों ने क्या संस्था को ताला लगाइए, फिर किधर साहब संस्था को ताला लगा, आप तो बैठे इधर, हम लोग बैठे इधर, बच्चे लोग पढ़ रहे, कुछ खेल रहे कूद रहे और सब कर्मचारी सब अपने अपना काम कर रहे। नहीं, वो मोहन पाटिल बोल रहा ऐसा सब कोई भी ताला नहीं लगाया था, ताला हम लोगों ने जो चैनल गेट बाहर का है ऑफिस कार्यालय के बाहर उसको अध्यक्ष ने दूसरे दिन अपना नया ताला लगाया था, तो वो काय के लिए लगाया था कि 5 अक्टूबर को जब हम लोगों ने उसके खिलाफ अविश्वास ठहराव पारित किया और उसी रात उसी दिन शाम को 7 बजे वो कैंपस में आ गए गाड़ी लेके अपना, वो और उनका दूसरा पार्टनर मनोज पाटिल, तो वो आके उन्होंने ऑफिस में से काफ़ी सारे फाइल्स और काफ़ी कुछ अभी पैसा होगा क्या होगा का वो गाड़ी में डाल के यहाँ से दफा हो गया। तो ये चीज़ कैंपस में एक ने देखा और उन्होंने अध्यक्ष चेयरमैन को बोला ऐसा सा बात हुआ, तो चेयरमैन साहब ने आके हम लोगों को बोल के जो ताला जो थे गेट चैनल गेट के वो तीनों चैनल गेट के ताले चेंज करके नया ताला बना, उसने जाके बोला कि नहीं संस्था को ताला लगा है। तो हम लोग ने संस्था का ताला नहीं ऐसा सा बात हुआ, ये दोबारा आके दूसरा कुछ चीज़ लेके जाए, और उसी दिन से वो कैंपस में आना बंद हो गया।
यानी केस दर्ज किया। आपको मालूम है 156(3) का जो गुना जो दाखिल किया है ये प्राइवेट है। ओके ये प्राइवेट गुना दाखिल किया है, ये वो ऐसा कोई साबित ना हुआ कि ये चोरी किया, इसका एविडेंस है, ये नहीं आया वो किया, वैसा नहीं किया। पुलिस स्टेशन में कॉपी देकर उसका ये लेके एक्सपर्टी उनका डिसीजन किया, 156(3) का एक्सपर्टी डिसीजन किया और एक्सपर्ट डिसीजन करके वो केस चलाया है और वो केस चलाने के बाद वो केसों के अंदर उन्होंने ये आरोप रखे हुए हैं। अब ये प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज कर कर उन्होंने गुनाह दाखिल किया हुआ है और उन्होंने ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हुए हैं, लेकिन उसका न्याय प्रणाली पर मेरा पूरा भरोसा है, न्याय प्रणाली का रिजल्ट लगने के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। आप आरोप कुछ भी लगाओ लेकिन ये तो दहशत है, दहशत के कारण कर रहे। और रह गया आपने बताया कि मैं कार्याध्यक्ष हूँ और है, इसका मीनिंग बोलता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे 15 सदस्य थे, 15 सदस्य के अंदर हमारे घटने में ऐसा तरतूद है कि जो आदमी तीन सभा के लिए मैनेजमेंट के तीन सभा के लिए आप नहीं आएंगे तो आपके सदस्यत्व ऑटोमेटिक कैंसिल हो खत्म हो जाए, ये रियल में लिखा हुआ है। इन्होंने 15 सभा में आए नहीं है और उसके लिए न आने के कारण उनका सदस्यत्व कैंसिल हो गया। और वो कैंसिल के बारे में हमने रिजल्ट दिया किधर, तो उसका जो बदलाव जो रिपोर्ट है चेंज रिपोर्ट है हमने दाखिल किया चारडी कमीशन में। और चारडी में हमने दाखिल करने के बाद में वो वहाँ पे प्रलंबित है। लेकिन कोर्ट क्या बोलता है कि जिस दिन आपको निलंबित करते हम लोग सस्पेंड करते उस दिन से जो ठहराव होता है वो ठहराव पूरा रिजल्ट लगने तक आपकी आप निलंबित रहेंगे, ऐसा हाईकोर्ट का साइटिशन है। और दूसरी बात है हमें उसको प्रमाणित जो प्रमाणित किसने किया चारडी कमीशन हमको प्रमाणित कर दिया है कि ये सस्पेंडेड सभासद है, उनको मीटिंग लेने का अधिकार नहीं और मीटिंग में आने का अधिकार नहीं, ऐसा उन्होंने वो लिख के दिया। उसका एविडेंस उनका कितना चारडी का मेरा नहीं, चारडी लिख के दिया है जो हमारे घटना के आधार के ऊपर उन्हें लिख के दिया, वो है ही नहीं उनका अधिकार। इससे उनका बहुमत आया नहीं, 9 लोग थे, 9 लोग और 6 लोग सस्पेंड, जो जिसके अंदर तुषार दत्त मात्रे ने जो मीटिंग लगाई वो खुद सस्पेंड है, उन्होंने मीटिंग लगाई। और ये घटना उसके हमारे 2 घटनाएं, पहली घटना हमारी जो भाई वो चालू है अभी तक और दूसरी नई घटना जो प्रभु पाटिल के टाइम भी बनाई थी वो घटने के ऊपर जो सस्पेंड जो मेंबर जो है उन्होंने वो उसका आधार लेके मीटिंग लगाई, लेकिन मीटिंग लगाई ठीक है आधार लेके वो उन्होंने स्टे करवाया हाईकोर्ट में, यही घटना रॉन्ग है वो हाईकोर्ट की, वो एक बात हुआ। दूसरी बात ऐसी है कि उनको अधिकार ही नहीं मीटिंग लेने का, घटना कौन सी भी यूज करो कौन सा भी नियम ले पर अधिकार तो है ही नहीं। तो बिना तो 6 सस्पेंडेड है उसका आप एविडेंस देखो मेरे पास कि 6 सस्पेंडेड को मीटिंग नहीं ले सकते, वो चैरिटी कमीशन ने लिख के दी है और उन्होंने मीटिंग लेके ये हमको उधर बताया कि 3 को हमने ये कर दिया। तो अभी हम ये भी एग्री करेंगे उनके बारे में कि वो आए तो उनको बैंकिंग का ऑपरेशन मांगता है, बैंक ऑपरेट कर सकते हैं ना वो, कानूनी तौर पे वो आए ऐसा उनका बेकानूनी तौर पे आए, इनलीगली जाए, दहशत के कारण आए, दादागिरी कारण आए, पैसा खाने का वाटर जो उनका कुछ बात होगा उनकी बात हमको मुझे मालूम है कुछ तो आए, तो उनको चैरिटी कमिश्नर ने उनको जो चुन के आए तो उनको बैंक ऑपरेटर का मांगता है ना, जैसा कार्याध्यक्ष जैसा ये खजिनदार सारे अधिकार। हाँ तो उनको मांगता है कि नहीं, तो हमको एक बैंक ने तो एक तो बैंक ने लिख के दिया हमको सीधा कि उनको तो अधिकार है ही नहीं है और ये जो उनको अधिकार रहते तो हम तो उन्हें वो डालते थे कि हमको स्पेसिफिक सिग्नेचर करके कि हमको आप बैंक आप आज के तारीख में पूरे पगार बाकी हमारे 3-4 महीना पगार हुआ नहीं, लोगों का सिक्योरिटी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका पगार यहाँ पर हुआ नहीं है, इलेक्ट्रिक बिल कई लोगों के भरे हुए हैं यहाँ पर और दादागिरी से जो जितने यहाँ पे कर्मचारी जो प्रिंसिपल है जो कर्मचारी उनको दादागिरी से पैसा लेकर कैश पैसा लेकर किधर भी डालो किधर भी करो इन्होंने ये घमासान यहाँ पे मचाया हुआ है। तो पहली बात तो आपको मेरे पास एविडेंस आप एविडेंस देखो कि सस्पेंडेड है उनको अधिकार नहीं है और उनका अधिकार है तो मीटिंग ले सकते हैं, मीटिंग ले सकते हैं तो कोई पदाधिकारी नियुक्त कर सकते हैं या कोई पदाधिकारी को निष्कासित कर सकते नहीं है, ये सब उन्हें और उसको जैसा जैसा उन्होंने इसके बारे में AUW में हमारा आर्थिक गुना शाखा हमारा तपास कर रहे जो मेरा गुना जो दाखिल जो किया हुआ है प्राइवेट वो कर रहे हैं। तो उन्होंने एक लेटर दिया था चारडी कमिश्नर में कि यहाँ पे अभी कार्यकारिणी कौन से काम कर रही है, तो उन्होंने सीधा बताया जो जूनी कार्यकारिणी जो मैं काम कर रहा हूँ वही कार्यकारिणी यहाँ पे काम कर रही है और उनका ही चलेगा, इनका चलेगा नहीं, इनका उनका उनका प्रस्ताव भी वापस गया नहीं उनका, तो प्रस्ताव दे सकते नहीं क्योंकि वो इनलीगल है
हाथ में देने का बात नहीं, हमारे हाथ में आई है ये ताला तो जबरदस्ती मारा। आप यहाँ पे मैंने जैसा सुना है कि कुछ दिनों से आप आ नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे? ताला मार कैसे आएंगे? तो आज ही आप ताला खुलवाने का प्रक्रिया है? हाँ तो बराबर है, तो भी बराबर उनको भी बताया था हमने ताला करने का, क्योंकि हम एक बार यहाँ पे आके एक बार चेक करके सारा ताला खोल देते तो फिर आप जो है यहाँ पे आना जाना शुरू कर देंगे राइट। तो पगार निकलेगी, तो स्कूल चलेगी, तो सब कुछ होगा। बोगस लोगों को न बैंक का अकाउंट अपलोड करने का अधिकार है, न उनको किसी को अपलोड करने का अधिकार है, न उनकी मीटिंग लेने का अधिकार है, न उनको एजुकेशन में जाने का अधिकार है, न कोई चार दिन उनको कोई ऐसा अधिकार को दिया ही नहीं ना। तो उनके पास ऐसा कोई पुरावा एविडेंस, मैं लोकशाही को मानने वाला हूँ, वो हमको बताया कि हम ऑफिशियल है, हमको उन्होंने दिया हुआ है, तो हम मजबूत रहेंगे। हमको क्या, हमारे पीछे 12,000 स्टूडेंट है, आज 300-400 हमारा स्टाफ है, उनका क्या है, उनका भविष्य आज स्टूडेंट का भविष्य आज इसमें आ गया है, अंधकार में आया हुआ है। तो वो ये बात तो है। और आप बोलते हो 2 महीना होते, 2 महीना कैसे आएंगे? 2-3 बार आके गए, बोलेंगे तुम्हारी मर्डर कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसलिए हम एक बार पुलिस को लेके आए, तो APF पोटे आए थे, उनके सामने बताया खोलने का, हमने लगाया हमने खोलेंगे, हमको UW वाले बोलेंगे तो हम खोलेंगे, तो हम UW को पूछा कि आपने ताला लगाया, तो हमने लगाया ना, हमको क्या लगाने का है, हमारा कागज में तो चलेगा। तो ये देखो मुझे, एक मर्डर करने के बाद में दहशत कितनी हो सकती है, और एक सामान्य नागरिक सिटीजन या आ नहीं सकता है, और ये पूरे के पूरे जो मसला जो है, इनके कई मीटिंग है ये मात्रे के घर में होती है उनकी, और उनको जो पूरा फाइनेंशियली जो है वो लोग वकील देते हैं उनको, वो लोग सब उनको ये करते उनको ये सब ये हमारा ये मेरे जैसा सीधा आदमी का काम नहीं है सर, ये भगवान की एक छाया हमारे ऊपर है, उनका आशीर्वाद है, और मेरी सच्चाई जो मैं काम करते, इसलिए मैं आज ये यहाँ पे आके काम कर सकता हूँ, अकेला बैठता हूँ, मुझे भी डर है, और मैंने इसके बारे में SP को भी इनको भी DYS को भी लेटर दिया हुआ है कि ये लोग मेरी मर्डर कभी भी कर सकते हैं लोग, और मैं और मुझे आप पुलिस सुरक्षा दो, ऐसा मैंने लेटर दिया है 2-3 बार, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच। EW अपनी कार्रवाई करने के बाद जो है इसको ऑफिस का ताला खोल देगी, और फिर ये ऑफिस में आना जाना करेंगे, और फिर से वो प्रक्रिया चलेंगे। लेकिन पुराने लोगों का आरोप है कि इनको सदस्यता से हटा दिया गया है। अब यही 2 पेज है कि अगर वो 6 लोग सस्पेंडेड है तो ये सदस्य नहीं है, और अगर वो लोग 6 लोग सस्पेंडेड नहीं हैं सस्पेंडेड हैं तो ये सदस्य हैं। तो अब ये तो जांच का विषय है, जांच में ये पूरी प्रक्रिया क्लियर होगी कि ये जो पोजीशंस है वो इनकी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन फिलहाल आज जो मामला है, आज EOW के कुछ लोग आए हैं, और वो इस मामले में आगे जो कार्रवाई करने के बाद वो किसे हैंडओवर करते हैं, वो किसको मुनासिब समझते हैं, ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिस चीज़ के लिए आपने भी यही रिक्वेस्ट की थी EOW से, पुलिस स्टेशन से, कि आप लोग जो है वहाँ के इनके पास सारे चाबी है, वहाँ पे और भी केबिन है, स्टाफ के केबिन है, जिसको ताला खोलना ज़रूरी है, जिससे और की कार मतलब स्कूल के कामकाज को ये ना हो, परेशानी ना हो, लेकिन उन्होंने आपकी इस चीज़ को नहीं माना। अभी फिर वो आज आए हैं, और आज हमने मोहन पाटिल से बात किया तो वो बोले इसी पर्पज से आए हुए हैं वो, कि यहाँ पे देख करके ताला खोल करके आगे की जो कामकाज है, और उन्होंने ये दावा किया है कि आगे का जो भी है वैलिड अभी मैं ही हूँ और मैं ही आगे का करूँगा। इस पे आप लोगों ने क्या एक्शन, अगर ऐसा होता है तो क्या एक्शन लेंगे? नहीं, EOW वाले अगर कानून हाथ में बेकानूनी रीति अगर उनको वहाँ पे चाबी खोल के अंदर घुसा देंगे या उनको ताबा देंगे तो उनके खिलाफ हम कोर्ट में प्राइवेट केस दाखिल करेंगे। या मतलब निचोड़ ये है कि अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ भी आप जो है कोर्ट में जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को आप लड़ेंगे। ये जो आरोपी है जिनके ऊपर कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाया है और कोर्ट के आदेश से उनके ऊपर FIR दाखिल हुआ है, और वो सेशन कोर्ट ने उनका जमानत अपना एंटीसिटिक बेल भी रिजेक्ट किया है, ऐसे हालत में अगर ये आरोपी है तो इस आरोपी के ऊपर उन लोगों को हम लोगों ने लोकशाही ढंग से उनको बहुमत से हम लोगों ने वहाँ से अविश्वास ठहराव पारित करके पद से निकाला है, और ऐसे आरोपी लोगों को अगर पुलिस लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हमारा जो ये भ्रष्टाचार का आरोप है तपास है तो उसमें हमको साशंकता आएगी, इसलिए ये मुद्दा हम हाईकोर्ट में उनके खिलाफ प्राइवेट केस दाखिल। अगर ऐसा होता है तो आप इस मामले को भी हाईकोर्ट कोर्ट में जाएंगे, आप जस्टिस के लिए लड़ाई करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, अशोक पाटिल जी, अभी आपने कुछ आरोप लगाए थे मोहन पाटिल जी के ऊपर, मैंने उनसे उस बारे में बात की, उन्होंने कहा
कि आपने कहा था कि आप लोग 9 लोगों की जो आपकी मेजोरिटी थी उसके हिसाब से आप लोगों ने मीटिंग ली, मीटिंग लेने के बाद सदस्य जो डिसाइड हुए, पदाधिकारी डिसाइड हुए और उनको आपने निलंबित कर दिया, यानी ये कर दिया, अविश्वास ठहराव। उन्होंने कहा कि उनमें से 9 लोगों में से जो 6 लोग हैं वो 6 लोग तो वैलिड सदस्य ही नहीं है, वो निलंबित हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो बार बार सबको यही बोल रहा है, सबको राइटिंग में वही लिख के दे रहा है कि इन लोगों को हम लोगों ने 5 लोगों को अध्यक्ष सहित निलंबित किया है। अभी उन्होंने समझो जो जिस तरीके से निलंबन करने का उन्होंने जो सबको बता रहे कि निलंबन करने का जो अधिकार है 5 लोगों को एक साथ, और उसमें से अध्यक्ष जो चंद्रबाणी से चुने जाते वो है जनरल सभा सभा को अधिक, तो जनरल सभा में कभी उन्हें बुला ही नहीं। और हमारे जो घटना में जो है नियमावली में कि 1 से 3 तक सदस्य अगर 3 सभा में गैर हाजिर होते हैं तो वो सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार कार्यकारिणी को मैनेजमेंट को है, 3 से अगर ज़्यादा रहेंगे तो उसका निलंबन वो जनरल सभा में होना चाहिए, इसके लिए उसने विशेष जनरल सभा बुलानी चाहिए थी और उसमें वो इशू ठहराव पारित होना चाहिए थे। इनका साफ कहना है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उन्होंने उनसे कि इन लोगों की बॉडी ने एक सभा ली, सभा में जो है इन्होंने अलग मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित किया इन लोगों के खिलाफ और इन लोगों ने नई बॉडी बनाई, लेकिन उन्होंने इसका जवाब ये दिया था कि उनमें से 9 लोगों में से 6 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को मतलब जो लोग सभा के सदस्य निलंबित हो चुके हैं। ये अभी इनका कहना है कि अगर 1 से 3 के अंतर्गत अगर लोग हैं सभा के सदस्य इस तरह से हैं तो उसको बॉडी की मीटिंग जो है ये कर सकती है, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए जनरल बॉडी मीटिंग की ज़रूरत पड़ती है जो इन्होंने नहीं की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका आरोप गलत सिद्ध हो रहा है। दूसरा मैं एक सवाल करूँगा आपसे, अभी वो इस मामले को मोहन पाटिल जी का साफ साफ आरोप है कि इस मामले को वो प्रफुल्ल पाटिल मर्डर से जोड़ रहे हैं जो आज से 10 साल की पहले की घटना है, 10-11 साल पहले की घटना है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं कि इसमें जो तुलसीदास महात्रे हैं उनके जो है रिलेटिव में आता है विशाल महात्रे जो उसके मर्डर में शामिल था और इन लोगों ने दादागिरी करके जो है ये सब किया है और ये जमीन हड़पने का हमको यहाँ से झूठे इल्ज़ाम लगा के बदनाम करने की साजिश है, इस पर क्या सच्चाई है? देखो प्रफुल्ल पाटिल मेरे भी दोस्त थे, वो जब मैं नगराध्यक्ष थे मैं उपनगराध्यक्ष था शहर का और उनके साथ मैं भी काम किया हूँ, और प्रफुल्ल पाटिल यहाँ जो थे उनका जो ये हो गया उनके भाई अमोल पाटिल उनको ही हम लोगों ने मोहन पाटिल को निकाल के उनको ही कार्याध्यक्ष बनाया। अमोल पाटिल कौन है? ये हमारे बाजू में आप हैं अमोल पाटिल, तो आपको ही बनाया गया अध्यक्ष बनाया गया, कार्याध्यक्ष एग्जीक्यूटिव कार्याध्यक्ष। अभी आपके वकील ने बताया कि 1972 के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से संशोधन के हिसाब से कार्य अध्यक्ष पद है ही नहीं, मतलब आप जब उनको कह रहे हो कि मोहन पाटिल जो है कार्य अध्यक्ष पद पे नहीं रह सकते, वो पद को निकाल दिया गया था, तो आपने प्रफुल्ल पाटिल के भाई आप इनको अमोल पाटिल को कार्य अध्यक्ष पद पे कैसे नियुक्त कर सकते हैं? नहीं, कार्याध्यक्ष पद ये हमारे घटना में नहीं था, या घटना का जो मसूदा बनाया था उसमें हमारे जो संस्थापक जिन्होंने संस्था बनाई उनमें वो कार्याध्यक्ष पद लिखा था, लेकिन बाकायदा ये जो 16 सितंबर 1972 में जब ही चार्टरी कमिश्नर ने हमारे संस्था का अप्रूवल दिया तभी उसमें उसने कार्याध्यक्ष पद के काट मारा है और उसमें लिखा है कि इसमें ये नियमावली है घटना नहीं है और इसमें अध्यक्ष ही होलेंसोल है यानी कार्याध्यक्ष नहीं है, लेकिन ये बात हमें किसी से पता नहीं थी क्योंकि कभी ऐसा कभी सवाल ही पैदा हुआ नहीं। और ये 92 में जब भी तुलसीदास मात्रे और इन लोगों ने इनको इस अभिनव संस्था में लिया, मात्रे साहब जब ये थे उन्होंने अभिनव मोरेश्वर नारायण पाटिल जिस इन संस्था के संस्थापक उन्होंने जब भी यहाँ पे उनको अभिनव के संस्था में मेंबर बनाया और मेंबर बना के उनको कार्यकारिणी में लिया तभी उसको मोरेश्वर पाटिल के खिलाफ ही उठे और बोला कि अभी मेरे को अध्यक्ष बनना है, तो मेरे को तो तभी सब वो भी कार्यकारिणी में जब मचमच हुई तभी उन्होंने उनको समझाया भी जानो अभी ये इतने बुजुर्ग है अब इनका लास्ट ये चल रहा है मध्य और ये फाउंडर ये अध्यक्ष है तो उनके अभी इस उम्र में उनको निकालना अच्छा नहीं,
तभी के जो कार्यकारिणी के 92 के जो सदस्य थे उन लोगों ने फिर ऐसा बोला कि चलो अपने घटना में जो कार्याध्यक्ष पद है ये कार्याध्यक्ष पद उन्हें दिया जाए, और पहले कार्याध्यक्ष मोहन पाटिल बने और तभी से कार्याध्यक्ष का ये पद यहाँ पे चलता आया है। ठीक है, मैं आपको रोकता हूँ। आप लोगों को वहाँ पे एक आपकी बॉडी थी, बॉडी ने फिर ये डिसाइड किया कि एक कार्याध्यक्ष पद बनाया जाए जिसपे उनको बिठाया जाए, जिसको भी है जो भी नॉमिनेट है मोहन पाटिल जी को बिठाया गया। अभी समझो आप अभी चैलेंज कर रहे हो कि वो जो कार्याध्यक्ष पद है वो है ही नहीं, तो आपने इनको कैसे बनाया कार्याध्यक्ष? नहीं, अभी जो चल जब आप उसको चैलेंज ही कर रहे हो, वो पोस्ट ही नहीं है, तो आप वही पोस्ट दूसरे को कैसे दे सकते हो? नहीं ना, चैरिटी कमीशन ने इसके ऊपर डिसीजन नहीं दिया ना, हम लोगों ने चैरिटी कमीशन तो अगर ऐसा देखा जाए तो वो पोस्ट उनका वैलिड है? नहीं नहीं, वो उनका पोस्ट वैलिड है, पोस्ट वैलिड है, लेकिन जब ये जो चल रहा है वो पोस्ट वैलिड है, उसके लिए हम लोगों ने पोस्ट वैलिड है, लेकिन जो उनके कार्य प्रणाली थी और आप लोगों ने जो बहुमत में आकर के जो आपने एक मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग ली और उसमें जो वो निकाला वहाँ पे आप सही हैं। अभी क्या जब वो बोल रहे हैं कि हम पांच लोगों का निलंबन किया है, अब अध्यक्ष का निलंबन किया, उनको अधिकार नहीं। अभी आज ये आर्थिक गुने शाखा वाले उन्होंने जो आए कल हम उनके पास गए तो बोला ऐसा सा चैरिटी कमिश्नर का ऑर्डर लेके आए, तो भाई साहब कौन सा ऑर्डर दिखाओ? तो ऑर्डर पढ़ने के बाद ही उसमें क्लियर कर लिखा है कि कार्यकारिणी जो है पुरानी 2011 में जो बनी है वही कार्यकारिणी है, तो हम भी बोलते कार्यकारिणी वही है, उस कार्यकारिणी का हम मेंबर है और हमारे जो निलंबन का आपका कहना है कि जब उन्होंने आप चैरिटी कमिश्नर ने एक रिपोर्ट दी उसमें ये कहा कि जो प्रीवियस कमिटी है प्रीवियस मेंबर जो है वही लोग हैं अभी अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अनुसार जो है उस चैरिटी के जो लिस्ट में उस के जो लिस्ट में है 15 लोग हैं, वो 15 लोगों में आपका नाम शामिल है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा नाम उसमें शामिल है तो हम सस्पेंड कैसे हुए, हम मतलब निलंबित कैसे हुए, राइट? बिल्कुल, और उसमें ये भी लिखा है कि जो निलंबन का प्रस्ताव उसने चैरिटी कमीशन में डाला है हमारा, तो वो पेंडिंग है, वो भी लिखा है उसमें ना, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। इसमें ये मैंने उनसे जरूर ये क्वेश्चन की थी कि अगर ये 6 लोग जो आप बता रहे हैं कि ये इन्होंने वायलेंट किया था, 3 से ज़्यादा मीटिंग अटेंड नहीं किया था, ये नहीं किया था, जिसकी वजह से आपने इनको निलंबित किया, तो क्या आपने इसकी कोई कार्रवाई की थी? तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले हमने इसकी कार्रवाई की थी लेकिन अभी तक उसका कुछ ये नहीं आया है, कंक्लूजन नहीं आया, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? वो केस पेंडिंग है और ये वो केस पेंडिंग है, तो इट मींस कि अगर वो केस जब तक पेंडिंग है तब तक आप लोग जो निलंबित नहीं है। आप लोग सक्रिय माने जाओ तो ये वो उस रिपोर्ट के बाद ही ये साबित होगा कि आप निलंबित हो या नहीं। अगर आप निलंबित हो तो आपको ये अधिकार नहीं है बॉडी नहीं बनाने का, और अगर आप निलंबित नहीं हो तो आप ये बॉडी बना सकते हो, चुन सकते हो, और आपने जो अभी नई बॉडी फॉर्म की है वो वैलिड होनी चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल, सारी पदाधिकारी चेंज किए हैं, पदाधिकारी चेंज किए, बॉडी वही है। आपने जो पदाधिकारी अभी चेंज किए, 3 लोगों को आपने चेंज किया है शायद, है ना? 3 पदाधिकारी को, एक आपने एक पोस्ट ली है, एक पोस्ट इनको कार्याध्यक्ष का इनको दिया है आपने, और आप सेक्रेटरी बने हो और आप ट्रेजरर बने हो, तो ये जो पदाधिकारी चेंज किए ये अगर आप निलंबित नहीं हो तो ये पद वैलिड है, और अगर आप अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से मोहन पाटिल के हिसाब से अगर आप निलंबित हो तो ये पद वैलिड नहीं है, राइट? बिल्कुल, तो लड़ाई अभी यही चल रही है। सर जी सिंपल आपको बोल रहा हूँ, मोहन पाटिल सबको मिसगाइड कर रहे हैं। ये लेटर है 30 तारीख का, शायद 13 तारीख का लेटर है। ये 13 तारीख के लेटर में आपको क्लियर दिखा जाएगा कि आज तक जो 2011 में जो कमेटी थी वही कमेटी आज भी है, उसमें कहीं भी चेंज रिपोर्ट नहीं किया नहीं है। इसका मतलब आज के दिन, आज 28 तारीख है, 28 तारीख तक हम लोग उनके साथ वैलिड 6। तो फिर ये वो क्यों ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 6 लोगों के निलंबित की कार्रवाई की और उसका रिपोर्ट जो है कंसर्न अधिकारी को उन्होंने दिया है जिसपे कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? सर उन्होंने अपने मर्जी से कार्यकारिणी मीटिंग में ये सभा लिए और सब्जेक्ट लिए और हम लोग को उन्होंने बोला कि आपको निष्कासित किया और वो चैरिटी में पेंडिंग है।
ये पूरा मामला तुलसीदास मात्रे जी जो आपके बीच में वहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे जो चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन और आज भी वही चेयरमैन है इस ट्रस्ट के, उनके द्वारा और कुछ ट्रस्टी द्वारा एक कंप्लेन दाखिल की गई थी नवगढ़ पुलिस स्टेशन में, जिस कंप्लेन के ऊपर कभी भी नवगढ़ पुलिस स्टेशन ने कोई कार्रवाई नहीं करते हुए उसे लंबा रखा, प्रलंबित रखा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद थक हार के इन लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें हमने 156(3) की एक अर्जी डाली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जब ये अर्जी डाली तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने जब अर्जी और उसके साथ सारे दस्तावेज और पुरावे देखने के बाद मैजिस्ट्रेट भी घबरा गया कि एक इतनी बड़ी कंप्लेन जिसमें कम से कम 7 से 8 करोड़ का घपन करने के बावजूद भी नवगढ़ पुलिस स्टेशन में इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद कोर्ट का आदेश आया कि तुरंत इसके ऊपर एक FIR ली जाए, जिसपे FIR में कुछ मेम्बर्स और मोहन पाटिल मुख्य आरोपी करके एक FIR लेने को आदेश आने के बाद इस पर FIR हुई। वो FIR होने के बाद भी उस पर इन्वेस्टिगेशन ना होने के बाद हमें और हमारे जो कंप्लेनेंट और सारे ट्रस्टी को हर बार ये बोला जाता था कि ये 5 करोड़ के ऊपर है, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, ये इकोनॉमिक ऑफेंस है, हमारे समझ के बाहर है। ये पुलिस द्वारा इनको बोला जाने के बाद थक हार के ये मैटर EOW में ट्रांसफ़र हुआ थाने में। ये पूरा जो आप बता रहे हैं जैसे कि 5 करोड़ का, ये पूरा मामला क्या है, गबन क्या है? ये इसमें गबन जैसे अलग अलग प्रकार के गबन हैं, जैसे पहला सबसे बड़ा गबन है कि आपको पता नहीं होगा पर पूरे मेहरा भेंदर में किसी को खबर नहीं है कि ये एक संस्था द्वारा चली गई स्कूल है, जिसमें महाराष्ट्र शासन के द्वारा इसमें चावल और खिचड़ी के लिए चावल आते हैं महाराष्ट्र शासन के द्वारा प्रशासन के लिए कि बच्चों को बराबर खाना मिले, क्योंकि इसमें गरीब से गरीब तबके के लोग के बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको खाना ना मिलने के कारण कितने बार माल न्यूट्रिशन में बच्चे जाते, इसके लिए सरकार द्वारा खिचड़ी के लिए चावल दिए प्राप्त किए जाते हैं। तो वो चावल भी इस स्कूल में जो आते थे उनका भी इस महोदय हमारे मुख्य आरोपी मिस्टर मोहन पाटिल ने गबन किया है, और वो करीबन नहीं भी करके बोलते हैं करीबन 290 टन KG का चावल का गबन इस आरोपी ने किया है। उसके उस चावल का गबन कैसे हुआ? जब वो चावल आता होगा तो जरूर बच्चों को खिचड़ी बना के खिलाया जाता होगा टाइम टू टाइम, मतलब ये एक टाइम का जो खाना है बच्चों को खिलाया जाता है इस स्कूल में, मतलब एक तो वो जो चावल आता होगा तो उसी कोटे में, तो उन्होंने गबन कैसे कर लिया? यही सबसे बड़ी बात थी। जब हमारे जो आपको जिस तरह से पता है कि EOW ने इन्वेस्टिगेशन करते समय कुछ करीबन 1 महीने पहले स्कूल में रेड मारी थी, रेड मारने के बाद ये पता चला कि ये जो हम आप देख सकते हैं सामने जो सिक्योरिटी काउंटर है वो काउंटर पे एंट्री पे इनवर्ड और आउटवर्ड का रजिस्टर रहता था। उस इनवर्ड आउटर और रजिस्टर में ये पता चला कि जितने भी चावल स्कूल के लिए शासन से आते थे वो चावल कभी स्कूल के अंदर आए जरूर है पर वो एक किराने के स्टोर में आउटवर्ड भी हो गया, जिसका रिकॉर्ड उस वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने रखा था। मैं ये बोल सकता हूँ सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पे उस समय मौजूद थे वो वन ऑफ दी हॉनेस्ट पर्सन थे बेचारे, जिन्होंने अपना काम पूरी तरह से निभाया और ये तक लिखा है कि कौन से ट्रक में और कौन से टेम्पो में वो चावल लिए गए हैं। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं तुलसीदास महात्रे जी जो अभिनव कॉलेज के यानी इस संस्था के पूरे चेयरमैन हैं, और इन्हीं की निगरानी में वो जो मीटिंग हुई थी 5 अक्टूबर को, और इनकी मौजूदगी में ही वो नई बॉडी बनाई गई थी। ये आए हुए हम इनसे बात करते हैं शॉर्ट में कि इनका क्या कहना, सर ये पूरे प्रकरण में आपका क्या कहना है? सर मेरा कुछ कहना नहीं, ये लोग हम बहुत व्यवस्था किया पहले जो माल में आता था, आप पूछे ना भी चावल वो सब इस लोगों ने बच्चों कम दिया लोग भेज दिए आता, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है और इसी वजह से नाराज होकर के आपने एक मीटिंग ली और मीटिंग के बाद जो है इन लोगों को यहाँ से वो धारा लगी हमने क्या धारा किया अपनी धारा हुआ है जो इसको बच्चों का फी आता था फी वो बैंक में जमा ना कर सकता उसकी वजह से धारा किया। तो जो ये जो नई बॉडी जो बनी है नई अपने जो 5 अक्टूबर को जो नई बॉडी बनी है तो उनको कहीं ना कहीं पोजीशन नहीं दिया जा रहा है राइट? हम लोगों ने लिया ओके वो लोग अभी जो एक खुद शेर की भूमि घास रखता है ऐसा ऐसा खून लगता है ऐसा अरे लोग मुंह में शेर लग गया खून खून हाँ खून लग गया गमन गमन करने का तो इसलिए जो है ये मतलब आओ पुलिस वाला है ना उसको भी पहुँचा दिया। ओके थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।